सर, आप की सरकार में भी पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं यहाँ पर लगातार। केसीआर सरकार बोल रही है कि राजस्थान में भी ऐसा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर युवा से बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी टीएसपीएससी का लीक हुआ है। हम लोगों ने जो हमारे प्रदेश में कोई पकड़ा गया उसको जेल में डाला गया, एसआईटी बनाई है, हमने नया कानून बनाया है जहाँ पर पेपर लीक में कोई पकड़ा जाएगा उसको उम्र कैद की सजा है। इकलौता राज्य पूरे देश में जहाँ उम्र कैद का हमने डिटरेंट रखा है कानून के अंदर, एक्ट पास किया है, यहाँ पर कोई परवाह नहीं कर रहा है। और हम लोगों ने कहा है कि हम सरकार बनाने का हमने एक शेड्यूल बनाया है कि 1 फरवरी से नौकरी चालू करेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट भर्तियां करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, जो 10 साल से ये सरकार नहीं दे पा रही है। इस माहौल में, अभी चुनावी माहौल में इस विषय को मुद्दा बनाया जा रहा है सर, तो बीआरएस सरकार को क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है कि जो ज़्यादा पोल हुआ है वो जनता विश्वास व्यक्त कर रही है राजस्थान की सरकार के ऊपर, जो हम लोगों ने काम किया है। और मुझे लग रहा है कि जो पोलिंग हुई है, जो हमने कैंपेन किया, उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। 30 साल से लगातार वहाँ बदलती रहती है सरकारें, लेकिन हमने कुछ इशू उठाए थे साल भर पहले, उसका पार्टी ने संज्ञान लिया, सरकार ने उन कामों को किया जो हम लोग इशू उठा रहे थे, उसका फायदा पार्टी को मिलेगा, सरकार को मिलेगा, रिपीट हम लोग करेंगे। सो द बीजेपी पॉलिटिक्स अबाउट चेंजिंग नेम्स इज लिमिटेड टू दैट ओनली। दे शुड चेंज पीपल्स livelihoods, they should actually answer to the people why we have the highest unemployment since independence, why the prices are going through the roof, why 2 crore people have not got jobs, why farmers' incomes have not doubled. So the BJP has a lot to answer for, and I think here in Telangana they are not even in the race. It is a direct fight between BRS and Congress. Caste census report on all the Congress road states. Yes. There is a difference of opinion between CM and Deputy CM in Karnataka. There is no confusion. The Congress party's working committee has clearly endorsed that view, and we are fully committed to doing census, whether any state that we form government. In fact, even next year when we form the NDA comes to power, we'll do it in all over India also. Sir, last question. No, I think people have given BRS 10 years to govern. They should have fulfilled their own promises. Small states were created to create more jobs, to create more satisfied young people. Unfortunately, in Telangana, those dreams have not been fulfilled. The unemployed allowances have not been given. So a lot of promises have been unkept. Congress party today is committed to our manifesto. And once we form the government, we will fulfill all our promises. But more importantly, now, last 6 months, the amount of people who have joined the Congress party from all other political organizations tells you which way the wind is blowing. Sir, ek last question. Sir, BRS ka kehna hai ki Congress ke letter ki wajah se Raitu Bandhu jo kisano ko milna tha wo ruk gaya. Congress ne chitti likhi. Humne to kaha tha ki aap jab due tha October tab de dijiyega. जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है तब ये पाबंदी लगती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो तेलंगाना हो। जानबूझ के उसको डिले किया गया उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, जानते हुए कि हमको रोका जाएगा, फिर भी डिले किया गया। मुझे लगता है ये जो जनता के साथ जो बेइंसाफी हुई है उसको जनता का जवाब मांगेगी बीआरएस से, उनको देना पड़ेगा। हम जब सरकार बनाएंगे तो हम 15,000 रुपये तुरंत प्रभाव से डालेंगे खाते में।